Ya vi que estás aquí, tan cerquita de mí, y me hacía falta, porque la última vez que vine tú no estabas, baby. Oh. Vamos a tomar toda noche, mujer, te invito a bailar hasta el amanecer. Tú quieres jugar y no quieres ver. Room to hai chota, lekin theek hai, ek jan ke hisab se sahi hai. हे गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल. आई होप यू आर डूइंग एब्सोल्युटली फाइन. ये है वियतनाम सीरीज का सेकंड वीडियो. अगर जो फर्स्ट वीडियो, जो पिछला वीडियो आपने देखा वियतनाम सीरीज का, उसमें मैंने सारी चीजें बताई कि आप भी कैसे ई वीजा वियतनाम का अप्लाई कर सकते हो, आप भी आज के दिनों में कैसे ट्रैवल कर सकते हो इंडिया टू वियतनाम, क्या क्या डॉक्यूमेंटेशन रिक्वायर्ड है, सारी डिटेल्स दी, राइट. और उसके बाद मैं होचीमिन सिटी वियतनाम पहुंचता हूँ. यहाँ पे से फिर बाइक टैक्सी एयरपोर्ट से लेता हूँ और निकल पड़ता हूँ फेंग यू लाओ एरिया के लिए, जहाँ पे मैंने ये होटल स्टे लिया है, जहाँ पे मुझे 3 रात रुकना है. तो गाइस, हमेशा मैं पूरी कोशिश करता हूं कि कोई लिंक तोड़ू ना. जो मैंने लास्ट वीडियो था, वहीं से आपको सारी डिटेल्स मिलती रहे कंटिन्यू में, ताकि कि जब आप भी प्लेलिस्ट में वीडियोस लाइन वाइज देखो, वियतनाम की हो या थाईलैंड की, तो आपको सारी डिटेल्स मिले, जिससे आप भी घूम सकते हो इजीली मेरी तरह. तो वही बात है कि मैंने जो लिंक तोड़ा था, मतलब वो बाइक टैक्सी से आता हूं एरिया में, तो बस यहां मैं होटल में चेक इन करता हूं और यहां से फिर अभी सेकंड ब्लॉग कंटिन्यू करता हूं, जिसमें आपको मिलेगा नाइट लाइफ. इस स्ट्रीट का नाम है बुई वियन, जो कि होचीमिन सिटी की स्पेशल नाइट लाइफ प्लेस है. जिस तरीके से खाओसान रोड था बैंकॉक में, जिस तरीके से था बांग्ला रोड फुकेट में, बस उसी तरीके से स्पेशल रोड है जहां पे मैंने होटल स्टे लिया है. ये मेरे को पड़ा है रूम 5 लाख डॉम 2 रात का. फिलहाल मैंने 2 रात के हिसाब से ही बुक किया, लेकिन होचीमिन सिटी में रुकूंगा 3 रात, उसके बाद जाऊंगा हैनोई. खैर, वो रही बात की बात, हम फिलहाल यही बात करते हैं होचीमिन सिटी की. तो मैं कह रहा था 5 लाख डॉम होते हैं तकरीबन 1600 रुपया, मतलब पर डे का आप कह सकते हो 800 रुपीज इंडियन करेंसी में, विच इज नॉट बैड अगर प्राइवेट रूम मिल रहा है तो, है ना. हॉस्टल वगैरह मैंने सर्च करे थे लेकिन मेरे को मिल नहीं पाए, मेरे को पता नहीं क्यों. हालांकि होचीमिन सिटी फुल पैक है आज के दिनों में, टूरिस्ट से भरा हुआ है, लेकिन हॉस्टल्स पता नहीं फिर भी अनअवेलेबल बता रहे थे. होटल का नाम है DDA, जो कि मैंने booking.com में भले ही देखी थी लेकिन मैंने बुक नहीं करी, क्योंकि जाहिर सी बात है booking.com में जो रेट होते हैं, फिर आके आप थोड़ा बार्गेन करते हो ना, तो आपको 30-40 हज़ार डॉन का मेरे को फर्क पड़ गया, जो कि तकरीबन होता है 100 रुपया 2 रात के हिसाब से. तो वही बात है, अब मैं कह रहा हूँ कि अब हम निकलते हैं वेजिटेरियन रेस्टोरेंट में. इंडियन रेस्टोरेंट नहीं है, एक वीगन रेस्टोरेंट है वियतनामी स्टाइल में. तो वहाँ पे हम कुछ खाना खाएंगे वीगन, और उसके बाद हम निकल पड़ेंगे बुई वियन स्ट्रीट एक्सप्लोर करने के लिए, जो नीचे ही है. तो उसमें अमेजिंग से क्लब्स है, अमेजिंग से पब्स है, सारी चीजें अमेजिंग है. इनफैक्ट एक्साइटमेंट है. इसका कारण ये है कि जैसे ही बाइक टैक्सी ने रोका, फिर क्या पुलिस खड़ी रहती है, वो ये स्ट्रीट में बाइक टैक्सी अलाउड नहीं है. तो वहां से 3-4 मिनट्स बाय वॉक होटल के लिए मेरे को बाय वॉक ही आना था. तो मेरे को कमाल का नजारा दिख रहा था. मैंने सोचा कि यहाँ पे तो आज ही रात को आऊंगा, भले थक गया हूँ लेकिन शॉवर वगैरह ले लिया, कपड़े वपड़े चेंज कर दिए, और आज ही हम एक्सप्लोर करेंगे नाइट लाइफ ऑफ वियतनाम. ठीक है, तो चलिए अभी टाइम वेस्ट नहीं करते और निकलते हैं. Let's sing a song full of hope, full of pain. Why don't you sing along, my friend? For it's our last refrain. Forever young, ever strong, ever brave. Memories like this never. Okay, this one. Rice noodle with fried spring rolls. Yeah, okay. Okay? And lemon soda. Okay. Okay? तो अगर पिछला वीडियो याद रहेगा आपको, तो मैंने एयरपोर्ट पे 41 US डॉलर देके कुछ 9,30,000 डॉन्ग लिए थे, एक्सचेंज कराए थे, राइट. उसके बाद मैंने 70,000 वो बाइक टैक्सी को दिया, 5 लाख अभी मैंने उसको दिया होटल जहाँ पे 2 रात का बुक किया है. उसके अलावा तो बस, तो मेरे पास बचा है कुल मिला के 3 लाख ही. मैंने ATM से मेरे को निकालना है, कल निकालूंगा सुबह. सिम कार्ड खरीदना है, कल खरीदूंगा सुबह. तो आज अभी मेरे पास 3 लाख डोंग ही है, उसमें से मेरे हिसाब से 1 लाख डोंग तो अभी चला जाएगा खाने में. बहुत सस्ता है, मतलब 50,000 का और राइस नूडल विथ स्प्रिंग रोल, और 35,000 का आप गिन के चलो 85,000 डोंग, यानी कि तकरीबन हो गया 250 रुपया. अच्छा सा वियतनाम का वेजिटेरियन खाना मिल रहा है, बढ़िया है. उसके बाद नाइट लाइफ के लिए मेरे पास, अगर मैं खर्चूंगा भी तो भी मेरे पास 2 लाख डॉन्ग पड़ा है, कहने का मतलब है. तो ये आ गया हमारा लेमन सोडा. पहले ये बताना पड़ता है वरना आपको लगेगा ये बियर वियर है. ये लेमन सोडा है, आइस है, लेमन है, और ये स्प्रिंग रोल है, नीचे राइस नूडल्स है. मतलब तगड़ा लग रहा है, पूरा पेट 100% भरेगा, बहुत हेल्दी भी लग रहा है. और ये कुछ ड्रेसिंग रहेगा ऊपर वेजिटेबल्स का और विनेगर वगैरह, आई डोंट नो. बट ये जो बात है ना कि ये वेजिटेरियन खाना मेरे को बहुत सही लग रहा है. gone,
आई होप आपको बुवियन का स्ट्रीट व्यू वॉकिंग स्ट्रीट काफ़ी पसंद आया। एक्चुअली ये खाउसान रोड या फिर पेटोंग में जो है बांग्ला रोड उससे भी कई गुना ज़्यादा है। इसका कारण ये है कि वो तो टाइम लिमिट है 11-12 बजे बंद हो जाता है, लेकिन ये रात के 2 बजे भी दमकता है, चमकता है, नाच गाना होते रहता है, म्यूजिक लाउड बजते रहता है। मतलब ये कमाल की स्ट्रीट है बुवियन। पहले मैंने सोचा था इतना नहीं होगा, मतलब खाउसान रोड वगैरह बैंकॉक जैसे ही होगा कि रात को 12 बजे बंद हो जाएगा, लेकिन यहाँ के क्लब्स इतने सारे क्लब्स है और फ्री एंट्री है। मेरे को ये काफ़ी पसंद आई ये स्ट्रीट। फुकेत हो गया, बैंकॉक हो गया, उससे भी कई गुना ज़्यादा है। इसका कारण ये है कि दे आर लॉट ऑफ नाइट क्लब्स, ऐसा नहीं कि एक या दो ही है, कम से कम 7-8 नाइट क्लब्स है। सब जगह एंट्री फ्री है, नो मैटर आज सैटरडे है, नो मैटर आज वीकडेज है, वीकेंड्स है, नो मैटर आप अकेले हो, स्टैग एंट्री, कपल एंट्री, जो भी है एंट्री आपको फ्री मिल जाएगी। आपको अंदर ऑर्डर करना रहेगा और ट्रस्ट भी बहुत सस्ता है। वियतनाम क्लब्स की बात करें, पार्टी, नाइट लाइफ, ड्रिंक्स हो, हार्ड ड्रिंक्स को मैं प्रमोट नहीं करता, अल्कोहल इज इंजरियस टू हेल्थ, बट स्टिल जो है वो मैं बता रहा हूँ कि बहुत सस्ता है। हाय हाय, बहुत सस्ता है, ट्रस्ट मी। तो आपको नाइट लाइफ के मामले में होचीमी सिटी जरूर पसंद आएगी। और अब मैं आपको क्लब्स लेके जाने वाला हूँ, बिकॉज अभी तो मैंने सिर्फ वॉकिंग स्ट्रीट का टूर दिया है और मैं अंदर व्लॉग नहीं कर पाया। ऐसा ही बात है, इतना शोर, इतना लाउड म्यूजिक कि मैं क्या ही फिर माइक लगा के करूं। इससे अच्छा मैंने एक वॉकिंग स्ट्रीट का टूर दे दिया, अब मैं आपको क्लब्स लेके जाता हूं, जो कि आपको बहुत मजा आने वाला है, ट्रस्ट में। ये स्टेशन वन मेरे को बहुत सही क्लब लगी, यहाँ पे आप जा सकते हो, एंट्री फ्री होती है ना, ऑसम क्लब्स, कहीं पे भी एंट्री फी नहीं है, सब जगह फ्री है। अभी मैं आपको एक लास्ट नाइट क्लब लेके चलता हूँ जो कि होचीमी सिटी का टॉप 5 में आता है। इसका नाम मैं उधर जाके ही बताता हूँ, या फिर अगर बोल नहीं पाऊंगा क्योंकि म्यूजिक लाउड होती है तो नीचे लिखा हुआ रहेगा। ये टॉप 5 में आता है और बहुत खास है, ये स्ट्रीट ही खास है। ये वही स्ट्रीट है जहाँ पे वेजिटेरियन रेस्टोरेंट था ना, जहाँ हमने डिनर किया था, आप कह सकते हो, वो जो खाया था, जो भी था। तो बस ये वही स्ट्रीट है और ये क्लब का नाम मैं लिख दूंगा, आप यहाँ पे भी ज़रूर आ सकते हो। बहुत ही शानदार क्लब है और रात के 4-5 बजे तक ये खुला रहता है। मज़े की बात तो ये है, sin reproche, que será te la de esta noche, vamos a lo oscuro, hasta las 12, ay sí que tú me conoces, suavecito vamos hasta abajo, tú tomas tequila, yo voy con refajo, pasamos bueno, te gusta el relajo, y de 100 billetes yo cargo un fajo, vamos a tomar toda la noche mujer, te invito a bailar hasta el amanecer, tú quieres jugar y no quieres perder, vamos a bailar, quiero verte mover. केस आई फॉरगॉट, नाम अभी बोल देता हूँ, Q13, KHU13 इसका नाम है और ये टॉप 5 में आता है। ये भी बहुत शानदार क्लब है, मैंने भी काफ़ी इंजॉय करा है। आई होप आपको क्लब्स काफ़ी पसंद आए यहाँ पे,
और आना ही लाजमी है क्योंकि मेरे को अगर पसंद आया मैंने इंजॉय किया और रात के अभी बजे है 1:30, तो 1:30 बजे इतना धमाल मस्ती हो रहा है। हाँ हो सकता है आज वीकेंड है, मतलब सैटरडे नाइट है तो सारी सी बात है, मंडे ट्यूजडे वेनसडे मतलब वीकडेज में हाफ क्राउड ही मिले इससे, वो तो लाजमी है, हर देश में ऐसे होता है, हर जगह ऐसे होता है, बट फिर भी धमाल क्राउड है। और वियतनाम के लोग मतलब बहुत खर्चा वर्चा करते हैं, आई मीन फुल हार्ड है। ऐसा अपने को लगता है कि यार कोई कोई कंट्री गरीब है, लेकिन ऐसा नहीं है, और स्पेशली कोविड के बाद ना कंट्रीज लाइक वियतनाम और थाईलैंड ये सब बहुत आगे बढ़ गई है टूरिज्म के मामले में, नहीं दूसरी चीज़ों में मैन्युफैक्चरिंग, बिकॉज क्या है ना चाइना से काफ़ी कंपनियां, यूरोपियन कंपनियां, ब्रिटेन कंपनियां काफ़ी चाइना में मैन्युफैक्चरिंग हटा के बांग्लादेश और यहाँ पे वियतनाम वगैरह में कर दिया, थाईलैंड में कर दिया है, कुछ कुछ श्रीलंका में कर रहे थे, लेकिन मेरे हिसाब से श्रीलंका की इतनी इकोनॉमी वर्स्ट हो गई कि बाकी बांग्लादेश यू नो जीडीपी के मामले में वियतनाम हो गया, थाईलैंड हो गया काफ़ी आगे बढ़ रहा है, फास्ट ग्रोइंग इकोनॉमी है स्पेशली वियतनाम जैसी जगह, बिकॉज यहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग यूनिट बहुत आ रही है। अब ये नाइट लाइफ के साथ मैं छोड़ रहा हूँ, मेरे को नहीं पता सूट करेगा कि नहीं, बट एक इन्फॉर्मेशन है जो मेरे दिमाग में अभी आ रही है तो मैं बोल रहा हूँ, ब्लॉग का मतलब ही ये होता है कि जो दिमाग में है वो बोलते जाओ। एनीवेज आई होप आपको वियतनाम की नाइट लाइफ काफ़ी पसंद आई, हो चिमी सिटी की नाइट लाइफ काफ़ी पसंद आई, फैंग यू लाओ की नाइट लाइफ काफ़ी पसंद आई, ये बुई वियन स्ट्रीट काफ़ी पसंद आई, लंबा खींच रहा हूँ फुकट में। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और हो सकता है हो चिमी सिटी का हम टूर करें, सिम कार्ड लेके कल ATM से पैसा निकाले के बहुत काम है कल सुबह उठ के, तो मिलते हैं कल, ओके बाय। तो गाइस इस वीडियो में मैं आपके साथ कुछ प्रोडक्ट शेयर करने जा रहा हूँ जो मैंने हाल ही में अमेजोन से परचेस करे, बिकॉज अमेजोन में मॉनसून कार्निवल सेल चल रहा है जिसमें आपको अप टू 70% का ऑफ मिल सकता है। तो सारे जो भी प्रोडक्ट बता रहा हूँ सबकी आपको लिंक्स डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। सबसे पहला प्रोडक्ट है इंटीग्रिटी ब्रांड का जींस बाय किलर, किलर नाम ही काफी है ब्रांड के मामले में, बहुत सही ब्रांड है और ये कंफर्टेबल है और क्वालिटी के हिसाब से इसका रेट बहुत अच्छा है, इसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, यू कैन चेक इट आउट। जो सेकंड प्रोडक्ट है वो भी जींस है, बट दिस इज फॉर फीमेल, लड़कियों के लिए, अगर आपको किसी को गिफ्ट देना है फीमेल फ्रेंड को या फिर अगर आप खुद ही फीमेल हो तो यू कैन चेक इट आउट, इसकी भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, रेट के हिसाब से ये भी इसकी क्वालिटी बहुत सही है। जो थर्ड प्रोडक्ट है वो है जैक एंड जॉन्स कंपनी का व्हाइट टी शर्ट, तो ये मैंने पहली बार ओवर साइज टी शर्ट मंगाया है जैक एंड जॉन्स कंपनी का, कंपनी में दम है बिकॉज इसकी क्वालिटी और एक से एक कॉन्सेप्ट होते हैं। ये व्हाइट कलर का टी शर्ट है, आप देख सकते हो, इसको मैं डायरेक्ट ट्रिप में पहनूंगा इसलिए मैं ऐसे ही बता रहा हूँ, इसकी भी आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, बड़ा ही प्यारा है। फर्स्ट टाइम कोई ओवरसाइज टी शर्ट पहना है, सही लग रहा है, कंफर्टेबल लग रहा है, तो गाइस उसकी भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। जो फोर्थ प्रोडक्ट है अगेन एक टी शर्ट है, लेकिन ये है रेड कलर का, अगेन जैक एंड जॉन्स कंपनी का, मेरे को बहुत अच्छी ब्रांड लगती है ये टी शर्ट और शर्ट्स के मामले में, इसकी भी आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। फिफ्थ प्रोडक्ट है एलन सोली का ब्लू कलर का शर्ट, मेरे को काफी अच्छा लगता है, अगेन ये एक और ब्रांड बहुत अच्छा लगता है एलन सोली, बिकॉज ये है लिनन शर्ट, आप देख सकते हो कलर कितना प्यारा है। तो भाई रेट के हिसाब से ये भी सही ब्रांड है क्वालिटी के वाइज, और इसकी भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, यू कैन 100% चेक इट आउट। ये नेक्स्ट प्रोडक्ट है ये है शर्ट थियरी कंपनी का शर्ट, जो कि आप फॉर्मल भी कह सकते हो या फिर सेमी कैजुअल भी कह सकते हो, इसका लुक वैसा ही है, फंक्शंस वगैरह में भी पहन सकते हो और ऑफिस वगैरह में भी ये काम आ जाता है, इसकी भी आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, यू कैन चेक इट आउट। जो नेक्स्ट प्रोडक्ट है वो है स्काई बैग का छोटा सा प्यारा सा बैग, इसकी भी आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, स्काई बैग नाम ही काफी है बैग्स के ब्रांड के मामले में, और ये सेल के हिसाब से बहुत सस्ता मिल जाएगा आपको, छोटे मोटे ट्रिप्स होते हैं उसमें बड़ा काम आता है। और जो लास्ट प्रोडक्ट है वो है पैरागॉन के चप्पल, क्योंकि बारिश का सीजन है तो जाहिर सी बात है ये सैंडल्स बड़े काम के आते हैं, पैरागॉन कंपनी का, इसका भी आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आई होप आपको वीडियो के साथ साथ जो भी मैंने प्रोडक्ट्स बताए सारे ही पसंद आए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टिल एंड, लव यू ऑल।